हुआ है ट्रक? ट्रक बोल्ट टूट गया है, वेल डाउन हो गया है गाड़ी, और क्या है? कैसे हुआ है? कैसे हुआ, दड़ा के चलते हो गया, पूरा खाल है। खाली बारिश हो जाने दीजिए, उससे बाद में लाइन देखिएगा यहाँ सुमात्रा में कितना लाइन है। तब रोड सही नहीं रहेगा तो इंसान चलेगा? नहीं चलेगा। अभी हम लोग मतलब 10 किलोमीटर रनिंग किए होंगे वहाँ से यहाँ के बीच में, मेरे को लग गया लगभग 1 घंटा। धनबाद जिला झरिया प्रखंड के अंतर्गत कुटकी मोड़ से जमाडोबा फुसबंगला तक का रोड पूरी तरह से जर्जर हो गया है। यह रोड 6 किलोमीटर है। इस रोड के लिए इस क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा वर्षों से धरना प्रदर्शन एवं अनशन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आम जनता को सिर्फ निराशा ही मिला है। रोड तो उखाड़ दिए साले, नहीं बने कम से कम रास्ता बंद तो हो जाएगा, कम से कम लटका करके कोशिश, जैसे बोलता है ना अनार लटका हुआ है, कब साला गिरेगा खाएंगे, काटिए तो साला एकदम खत्म कर दो ताकि इधर आदमी आवे जाए बंद हो जाए, और नहीं तो कम से कम बनाइए इसको। ये डीबी रोड है, ये नेशनल हाईवे NH2 को जोड़ती है, यहाँ से पुटकी का दूरी मात्र 7 किलोमीटर है। इसमें रेक पॉइंट नहीं था तब ये रोड बहुत अच्छी हालत में थी, अभी क्या है रेक पॉइंट हो जाने से ये रोड का दुर्दशा हो गया, और इसमें रेक जब तक बंद नहीं होता है तब तक ये रोड सुधर नहीं सकता है। कमा रहा है गिरिडीह का सब फैक्ट्री वाले लोग, कमा रहा है ट्रांसपोर्टर, कमा रहा है रेलवे, कमा रहा है गाड़ी वाला लोग, लेकिन यहाँ झेल रहा सब पब्लिक। रोड है ही नहीं कहीं, सिर्फ गड्ढा है। हम लोग कहाँ पर पलटी मारेंगे, कब मारेंगे और कै गो मेरे साथ में जान जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जहाँ बेचारा टेम्पू वाला दो ट्रिप कहाँ मारेगा, एक ट्रिप में उसका टेम्पू है जवाब देने का, एक भी चलाएंगे वही तो बहुत, हाँ वही तो बहुत हो जाता है। आज बना देंगे कल बना देंगे, ऐसे हम तो बोल बोलते 12 साल निकल गया, अभी बनाए नहीं, और नहीं बनाने का ऐसा हाल भी कभी अभी जान जा सकता है। 17/12/2013 को इस रोड में हमने ज्ञापन दिया था कि यह रोड बहुत ही जर्जर अवस्था में है, और यहाँ बगल में ही एक रेलवे का यार्ड है जहाँ से वो लोहा बनाने वाला चिप जो है गिरिडीह के लिए जाता है, जिसके कारण यहाँ प्रदूषण की भी बहुत ज़्यादा समस्या है। प्रदूषण तो इतना ज़्यादा है, जिसने हम लोग अपना कागज़ में लिख कर हम लोग उपायुक्त महोदय को दिया था, तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ, तो हम लोगों ने एक धरना दिया, तो वहाँ पर SDO साहब खुद आए थे, उपायुक्त महोदय भेजे थे, लिखित आश्वासन दिए थे, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुआ, जबकि हम लोग महीनों इंतजार किए। उसके बाद फिर हम लोगों ने लिखित दिया तो उन्होंने बोला कि टेंडर हो गया है, उसी बीच थोड़ा बहुत काम उधर से पुटकी से स्टार्ट हुआ, कुछ घपला उपला हो गया, फिर वो काम बंद हो गया। 2 साल लगभग फिर काम बंद रहा। फिर हम लोगों ने आज से 2-3 महीना पहले धरना दिया, और धरना देने के बाद उसकी बात हुई, उपायुक्त महोदय ने फिर बोला कि ठीक है हम इसका निष्पासन करेंगे, लेकिन आज तक इसका कोई निष्पासन नहीं हुआ है। ये रोड बनना चाहिए कि नहीं? हाँ। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाई क्योंकि मुझे भी इस रोड से आना जाना होता है। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूँ कि आप हमारे DC महोदय श्री प्रशांत कुमार को संपर्क नंबर 09471191601 पर फोन कर अविलंब दवा बनाएं, ताकि यहां के लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो। मैं भारती झरिया धनबाद झारखंड से इंडिया अनहद के लिए।